सिवनी के बरघाट विकास खंड ग्राम धारणा कला वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति मारिया धरना कला में आज 28 सितंबर को वार्षिक आम सभा का आयोजन संचालक मंडल प्रतिनिधि द्वारा आयोजित किया गया। समिति द्वारा 2017-18 का आय व्यय एवं 2018-19 की कार्य योजना बनाई गई। आम सभा में 17 गांव के किसान पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी समस्या संचालक समिति के समक्ष रखी। बैठक में क्षेत्रीय किसान की मांग पानी को लेकर रही, जहां माचा गोरा डैम का पानी अपने क्षेत्र में लाए जाए की मांग किसानों की रही, जहां क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि सुरेश नागराज ने अपनी बात किसानों के समक्ष रखी। अखिलेश पवार की रिपोर्ट। नहीं चुका पाए हैं और ओवरड्यू हो गए हैं, उनके लिए सरकार की मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई थी, जिसकी तिथि बढ़ा के इस महीने की 30 तारीख तक के कर दी गई है। जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी 30 तारीख तक के जो मूलधन है उसकी आधी राशि भी पटाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके ऊपर जो भी ब्याज लगा है वह शासन और समिति द्वारा माफ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न उठा माचागोरा पानी और जामरान तालाब को लेकर, तो मेरी जानकारी में अभी जनदर्शन यात्रा के तहत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समस्त विधानसभा स्तर के सम्मेलन में आश्वस्त किया किसानों को कि माचागोरा का पानी यथासंभव जहाँ तक आना है वो आके रहेगा और जामरान तालाब नवीन पांडरवानी अमूर्ला क्षेत्र में बन के रहेगा। और इस बात को सुनकर किसानों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति धारणा कला का अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। आज हमारी वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति ग्राम धारणा कला में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा के माध्यम से हम पूरे वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा पूरी जनता के समक्ष, पूरे 17 गांव के कृषकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आगामी जो आने वाला बजट होता है वह अनुमानित बजट के माध्यम से नए प्रस्तावों को लेकर के किसानों के हित में अधिक से अधिक निर्णय लेने का प्रयास करते हैं और प्रस्तावों को पारित कर हम क्षेत्रीय किसानों को लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। और हम इसी तरह से आगामी समय में भी किसानों के हित में हमारा संचालक बोर्ड 11 लोगों का बोर्ड है, वे अच्छा काम करेगा एवं विश्वास दिलाते हैं कि हम किसानों के हित में सतत प्रयासरत रहेंगे एवं शासन की समस्त योजनाओं का लाभ किसानों को दिलवाते रहेंगे।